हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं झारखंड की वर्तमान राजनीति के बारे में। झारखंड में बीजेपी को मोदी नाम वेलकम का सहारा हेमंत सोरेन के मुकाबले में लगातार हारती जा रही है। झारखंड बीजेपी को अब केवल पीएम मोदी के नाम का सहारा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करिश्माई नेतृत्व के आगे घुटने टेक चुकी बीजेपी को अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा बचा है। 2019 के बाद से झारखंड में लगातार हर चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुकी है बीजेपी ने। अब पीएम मोदी के आश्रय ही सीएम हेमंत सोरेन से लोहा लेने का फैसला है। जेवीएम से इंपोर्ट कराकर बाबूलाल मरांडी को आदिवासियों का नेता बताने से लेकर रघुवर दास को पिछड़ों का नेता बताने तक झारखंड बीजेपी ने हर दांव खेल लिया है, मगर हर बार उसे हेमंत सोरेन के आगे हार की नसीब होती है। हाल ही में हुए मांडर उपचुनाव के नतीजों ने भी भाजपा को झारखंड में बुरी तरह हताश कर दिया है। मधुपुर, दुमका, बेरमो और फिर मांडर में मिली करारी हार ने झारखंड बीजेपी को बेचैन कर रखा है। भाजपा नेताओं को ये नहीं समझ आ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अब कौन सा दांव लगाया जाए, जिससे बीजेपी को राज्य में हेमंत सोरेन के खिलाफ एक अदद जीत नसीब हो सके। ऐसे में चारों खाने चित हो चुके बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी में आशा की आखिरी किरण दिखाई दे रही है। यही वजह है देवघर से लेकर राजधानी रांची तक झारखंड बीजेपी के पोस्टर बैनर में अब ज्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा दिखाई दे रहा है। बीजेपी पीएम मोदी को सीधे तौर पर हेमंत सोरेन से आगे लाकर खड़ा कर देना चाहती है, मगर 2019 के नतीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी भाजपा को सफलता मिलने की उम्मीद कम है कि विधानसभा चुनाव में वो पीएम मोदी के नाम से सीएम हेमंत सोरेन की मजबूत किले में सेंधमारी कर पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2019 में भी भाजपा ने रघुवर दास के खिलाफ उपजे जनाक्रोश को पटाने के लिए पीएम मोदी को मैदान में उतारा था। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी खुद फ्रंट पे आके भाजपा को लीड कर रहे थे, मगर चुनाव में पूरा झारखंड हेमंत सोरेन के लहर में बह गया। झारखंडियत और आदिवासी अस्मिता की ऐसी आंधी चली कि बीजेपी का पूरा कुनबा उड़ गया। अब देवघर में एयरपोर्ट और एम्स के बहाने भाजपा एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन के मजबूत गढ़ संथाल परगना को भेदने और मुरझाए कमल को खिलाने की कोशिश में लग गई है। देखना होगा कि हेमंत सोरेन के आगे हर दांव खेलकर हार चुकी झारखंड बीजेपी को 2024 में पीएम मोदी के नाम से जीत हासिल होगी या 2019 की तरह झारखंड एक बार फिर झारखंडी सरकार को चुनकर सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन के हाथ सौंपेगी। इतने ही आज की वीकली किस्सा को समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई किस्सा के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।